हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको कक्षा सप्तम में विषय हमारा गणित है, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज जो हमारी सी वाली है, ठीक है, उसमें कुछ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, उसको आप याद कर लेंगे और कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। विशेष ध्यान दें, ये है, जैसे आपको अगर क्रमागत विषम संख्याएं माननी है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके अभ्यास में सम या विषम संख्याओं के संबंध में, तो आपको क्रमागत विषम संख्याएं आपको माननी है, डॉटेड डॉटेड। इसका मतलब है कि यहाँ से हमारी स्टार्ट होंगी ना, इधर भी होंगी अनंत होंगी, इधर भी अनंत होंगी, ठीक है। और यहाँ से मानेंगे 2x-3, 2x-1, 2x+1, 2x+3, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मानेंगे हम, तो क्रमागत विषम संख्याएं हो गई। और सम के लिए ध्यान रखेंगे 2x-4, 2x-2, 2x, 2x+2, 2x+4 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये है क्रमागत सम संख्याएं, इस प्रकार से मानेंगे, इनको आप याद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पहला है, एक किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो वह संख्या क्या होगी। तो लिखा है प्रश्नानुसार x और 7 का गुणनफल, क्वेश्चन में कहा गया है इनका गुणनफल 28 है, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 28/7, 7 चौक 28, तो x बराबर कितना है हमारा 4, तो हमारी संख्या होगी 4, ठीक है। हमारा उत्तर है 4, तो विकल्प जो है वो दिया हुआ है तीसरे में 4 है, इसलिए विकल्प तीसरा जो है हमारा सही है। इसके के आगे जो है दो तीन क्वेश्चन आप इसको लगाएंगे, ठीक। धन्यवाद।